हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रभावी कंपटीशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक सेक्टर इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंक्लूडेड, मतलब कौन से इकोनॉमिक सेक्टर में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है। तो पहले तो सेक्टर्स होते हैं तीन तरीके के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो जो टर्शियरी सेक्टर में ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई सामान मैन्युफैक्चर हुआ सेकेंडरी सेक्टर में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाएगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और ये कौन करेगा, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। अ वे टू मूव थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज, तो अगर हम किसी भी सामान को अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर ले जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन वर्क। अ ग्राफ इज ज्योग्राफिक स्पेस डिस्क्राइबिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर डैट परमिट्स एंड कंस्ट्रेंस मूवमेंट और फ्लो इज कॉल्ड, मतलब एक तरीके का सिस्टम जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे परमिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मतलब ज़्यादा ईजी होगा, ज़्यादा एक्सेसिबल होगा, उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। फिर व्हाट इज़ द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट, डेजर्ट में तो व्हीकल्स तो चल नहीं सकता है, तो वहाँ के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन मीन्स है, मेन मीडियम है, वो कौन सा है, केमल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर देयर इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में टोटल कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन मोड हैं। तो पहला तो रोड हो गया है ना, फिर वाटरवेज, फिर विद द एयर, विद द हेल्प ऑफ रेल भी है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है रोड ट्रांसपोर्ट, पहला टॉपिक है रेल ट्रांसपोर्ट, और इसमें पहला क्वेश्चन है विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ फास्टर एंड चीपर एट शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हमको शॉर्ट डिस्टेंस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है, उसके लिए हमारे लिए चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, वो होगा रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इस्टेब्लिश नेशनल हाईवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, तो कौन सी कंट्री ने सबसे पहले वर्ल्ड में हाईवे नेटवर्क को बनाया, ठीक है, हाईवे नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया, वो था जर्मनी। ट्रांस कैनेडियन हाईवे कनेक्ट्स, ये एक हाईवे का नाम है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे, जो कनेक्ट करता है वैनकूवर को सेंट जॉन सिटी मॉन्ट्रियल से, ठीक है। मॉन्ट्रियल जहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या बोलते हैं ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहीं पर हुआ था ये चीज़। द हाईवे नेटवर्क ऑफ जर्मनी इज़ कॉल्ड, तो जर्मनी के हाईवे नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ऑटोबैन, है ना, ऑटोबैन। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेल रोड टनल सिकन इज, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया क्या कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेल रोड टनल कौन सा है, वो है सिकन, और ये कहाँ पे है, जापान में है। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड, तो किस कंट्री के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईवेज नेटवर्क है, वह है USA में। विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट कंट्री इन नंबर ऑफ हाईवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड, फर्स्ट तो USA हो गया, उसके बाद सेकंड में जो लार्जेस्ट हाईवेज का नंबर है वो कहाँ पे, वो चाइना में है। विच इज़ द बिजिएस्ट एंड द वाइडेस्ट हाईवेज ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन सा जो हाईवे है वो वाइडेस्ट भी है, मतलब उसका विड्थ भी सबसे ज़्यादा है, और वो बिजिएस्ट हाईवे भी है, वो है ऑन्टेरियो जो कि कनाडा में है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल हाईवेज इन द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल हाईवे है वो कौन सा है, पैन अमेरिकन हाईवेज। विच इज़ द हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल हाईवेज इन द वर्ल्ड कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड चाइना, कौन सा इंटरनेशनल हाईवे है जो कि हाईएस्ट पेव्ड है, ठीक है, और वो कनेक्ट करता है पाकिस्तान और चाइना को, तो वो है काराकोरम हाईवेज, ये MPPSC में पूछा गया। इन सदर्न हेमिस्फेयर द हाईएस्ट नेटवर्क ऑफ रोड इज़ इन विच कंट्री, तो जैसे कि अगर ये अर्थ है तो ये वाला हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, तो इस साइड में जो है कि हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क, हाईएस्ट जो रोड नेटवर्क है वो कौन से कंट्री में है, वह है ब्राज़ील में, कहाँ पे, ब्राज़ील में। व्हेन डिड द चाइनीज गवर्नमेंट अडॉप्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो चाइना को जो BRI है ना, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो कब स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 2013 में, मतलब 2013 में, ठीक है। उसके बाद है ब्लू डॉट नेटवर्क इज़ बिल्ट एज एन अल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ फॉर्म्ड बाय विच कंट्री, तो जैसे कि चाइना ने बनाया क्या बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI, उसको काउंटर करने के लिए तीन कंट्री USA जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने बनाया ब्लू डॉट BDN है ना, ब्लू डॉट नेटवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इस
इस टेबल में क्या दिया हुआ कि जो भी इम्पॉर्टेंट हाईवेज हैं, ठीक है, और वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है, ये दिया हुआ सेकेंड कॉलम में। तो पहला स्टेलवियो पास जो कि है इटली में, फिर है कोबो ट्रेल कनाडा में, स्टेट हाईवेज 94 ये है न्यूजीलैंड में, फिर है उटा स्टेट रूट ये यूएसए में है, फिर नेशनल रूट 40 जो कि अर्जेंटीना में है, फिर है प्रिंस हाईवे ऑस्ट्रेलिया में, C2 स्काई हाईवे ये कनाडा में है, फिर है पैसिफिक कोस्ट हाईवे जो कि है यूएसए में, फिर है हाना हाईवे जो कि यूएसए में है, फिर है इंटर स्टेट 24 जो कि यूएसए में है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो ट्रेन स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 27 सितंबर 1825 में, और इंडिया में कब हुआ था 1853 में, ठीक है, मुंबई से थाने। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड वाज लेड इन। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो रेलवे लाइन बिछाया गया था वो कहाँ पे हुआ था, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में, ना नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में। फ्रॉम विच प्लेस द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड, सबसे पहला ट्रेन है वो कौन से प्लेस से स्टार्ट हुआ, वो हुआ स्टॉकटन से। कहाँ से, स्टॉकटन से। अमोंग कजान, ओम्स्क, सोची, चित्रा, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेल रूट। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज हैं, जैसे कि कजान, ओम्स्क, ओम्स्क है, उसके बाद फिर सोची है, चित्रा, ये सब इसमें से कौन सा जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल रूट का पार्ट नहीं है, वह है सोची। द रेल रूट विच कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ कंटिनेंट टू अनदर इज़ नोन एज। तो अब जब भी कभी रेल रूट है ना एक कॉन्टिनेंट को दूसरे एक कंटिनेंट में ही दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, वो रेल नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ट्रांस कंटिनेंटल रेलवेज। विच इज़ द लार्जेस्ट रेल रूट ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रेल रूट है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इन द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है वो इंडिया में है, और कहाँ पर है, गोरखपुर यूपी में। विच इज़ द स्मॉलेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट रेलवे पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, वह है एंजल फ्लाइट्स जो है यूएसए में। द लॉन्गेस्ट कंटिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड इज़, तो पूरे वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट कंटिनेंटल रेलवे है वो है ओटावा एंड प्रिंस रूपर्ट में, ओटावा और प्रिंस रूपर्ट में। विच इज़ द हाइएस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो हाइएस्ट रेलवे लाइन है वो है क्विंघाई इन तिब्बत। यूरो टनल फॉर फास्ट रनिंग ट्रेन ज्वाइंस, तो यूरो टनल जो है वो कौन से दो प्लेसेस को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो वो है इंग्लैंड एंड फ्रांस, और ये ट्रेन रूट है। वेयर इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इज़ सिचुएटेड इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है वो लोकेटेड है तंगुला रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पर, तिब्बत में। इन विच कंट्रीज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इज़ लोकेटेड, तो कौन से कंट्री में लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, वह गॉथवार्ड बेस टनल जो कि है स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट जो रेल रूट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, और वो किस किस प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं या किस किस प्लेसेस से एक्सटेंड करते हैं, वो दिया हुआ है सेकेंड टेबल में। तो पहला इसमें कैनेडियन पैसिफिक रेल रूट जो कि कनेक्ट करता है मॉन्ट्रियल को वैनकूवर से, फिर ट्रांस कॉकस रेल रूट जो कि कनेक्ट करता है बार्तुमी को फरगना से, फिर नॉर्थ ट्रांस कंटिनेंटल रेल रूट जो कनेक्ट करता है सीटल को न्यूयॉर्क से, फिर ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल रूट जो कनेक्ट करता है फ्रांस को टर्की से, फिर ट्रांस एंडियन रेल रूट जो कि कनेक्ट करता है चिले को अर्जेंटीना से, फिर ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंटल रेल रूट जो कि कनेक्ट करता है पर्थ को सिडनी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि बाय एयर होता है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एयर ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हम किस तरीके के रूट्स में जा सकते हैं। तो पहला तो नेशनल एयर रूट है, जो कि हम कंट्री में एक ही सेम कंट्री में एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाएंगे, जैसे कि अगर हमको मुंबई से दिल्ली जाना है ना, दिल्ली से मुंबई जाना है इस तरीके से, फिर एक कंटिनेंटल, और दूसरा क्या होता है इंटर कंटिनेंटल। विच टाइप ऑफ एयर रूट कवर्स डिफरेंट कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो किस टाइप का जो एयर रूट है वो डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट्स को कनेक्ट करता है, वो है इंटर कंटिनेंटल एयर रूट। विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड का जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ पर, यूएसए में। विच कंट्रीज एयरलाइन इज लुफ्थांसा, तो
लुफ्थांसा जो एयरलाइन है वो कौन से कंट्री का है? वो है जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। वर्ल्ड्स मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन नंबर्स आर फाउंड इन विच कंट्री? मतलब वर्ल्ड के जो टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? वो है यूएसए में सबसे ज़्यादा। और सबसे जो जो सबसे अधिक बिजिएस्ट है वो भी कहाँ? यूएसए में है, ठीक है, अटलांटा में। विच एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एविएशन पॉलिसीज ऑफ द कंट्री? तो कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किस तरीके से एविएशन पॉलिसीज होंगी, है ना, मतलब जो कि सारे कंट्रीज़ को फॉलो करना है, सारे एयरलाइंस को फॉलो करना है, वो सारे रूल्स को कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन बनाता है? वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मीन्स IATA, है ना, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। उसके बाद है द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन इज, तो पूरे वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट एयरलाइन है वह है क्वांटस एयरवेज। एयर गरुड़ इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? तो एयर जैसे कि इंडिया का एयर इंडिया है, ठीक है, फिर विस्तारा एयरलाइंस है, इंडिगो है, आकाश है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि एयर गरुड़ जो है वो कौन से कंट्री का है? वो है इंडोनेशिया का। फिर ओपन स्काई पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, तो एयर स्काई पॉलिसी जो मतलब ओपन स्काई जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस की थी कब? अप्रैल 1982 में, ठीक है। When was the first aircraft was invented? तो वर्ल्ड का पहला एयरक्राफ्ट का जो इन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? 1903 में। उसका हम लोग पढ़ेंगे मेजर एयरवेज जो कि वर्ल्ड में है, ठीक है, और वो कौन सी कंट्री का है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला है सिंगापुर एयरलाइंस, तो सिंगापुर नाम से लिख रहा है, कहाँ का होगा वो? सिंगापुर का होगा। फिर क्वांटस जो कि कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। कतर एयरवेज जो कहाँ का है? कतर का। फिर वर्जिन ये है ऑस्ट्रेलिया का। एमिरेट्स UAE का है। एयर निपुन जो कि जापान का है। उसके बाद है EVA जो कि ताइवान का है, EVA ताइवान का। फिर कैथे पैसिफिक जो कि हांगकांग का है। लुफ्थांसा जर्मनी का है। गरुड़ इंडोनेशिया का। एरोफ्लॉट रशिया का, ठीक है, और एयर इंडिया इंडिया का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो कि वाटर के मीडियम से होता है, वाटर मीन्स से होता है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू, तो वाटर ट्रांसपोर्ट को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? तो हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, पहला तो इनलैंड वाटर और दूसरा ओशन वाटर। मतलब इनलैंड वाटर का मतलब क्या हुआ कि रिवर्स पे जो कैनाल्स ना के डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ठीक है। और ओशन वाटर में क्या होता है, ये मेनली यूज़ किया जाता है किसके? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेड के लिए, ठीक है। विच इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेड इन द वर्ल्ड, तो ट्रेड के लिए अगर हमको कोई सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है या फिर इम्पोर्ट भी करना है, उसके लिए चीपेस्ट मोड कौन सा होगा? वो होगा वाटरवेज, है ना, बाय वाटर हमको सबसे सस्ता पड़ेगा सामान को लाना। विच ऑफ द मेजर ओशनिक रूट कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका यूरोप एंड साउथ अमेरिका, तो कौन सा ओशनिक रूट है जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को यूरोप के साथ और साउथ अमेरिका के साथ? जैसे कि अगर ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर नॉर्थ अमेरिका है तो यहाँ पे साउथ अमेरिका और यहाँ पे यूरोप है, तो इन तीनों को कौन कनेक्ट करता है? वह साउथ अटलांटिक ओशनिक रूट। उसके बाद है विच ऑफ द ओशनिक रूट कनेक्ट्स द ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट विथ नॉर्थ अटलांटिक ओशनिक रूट, तो कौन सा ओशनिक रूट है जो कि ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करता है नॉर्थ अटलांटिक ओशनिक रूट से? वह मेडिटेरेनियन सी रूट। विच वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड कनेक्ट्स द मेजर डेवलप्ड रीजन्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, तो यूरोप में जितने भी मेजर डेवलप्ड रीजन है, ठीक है, उसको नॉर्थ अमेरिका से कौन कनेक्ट करता है? वो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन रूट। विच ऑफ द ओशनिक रूट लॉस्ट इट्स इम्पॉर्टेंस आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल, तो जब से स्वेज कैनाल का कंस्ट्रक्शन हो गया तो कौन से ओशनिक रूट का है ना इम्पॉर्टेंस कम हो गया? जैसे कि अफ्रीका वाला रीजन है तो इस साइड से होकर यहाँ पे जो केप ऑफ गुड होप है, मतलब पहले लोग यूरोप से किसी को आना होता था तो वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते, मतलब अफ्रीका के नीचे से होकर आता था, वो केप उसी को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप वाला रूट, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो गया क्योंकि अब स्वेज कैनाल बन गए, ठीक है, तो इससे हम लोग आसानी से इधर हमको जाना नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस भी काफ़ी कम हो गया यूरोप और मतलब एशिया के बीच में। नॉर्थ पैसिफिक ओशनिक रूट कनेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशनिक रूट जो है वो कौन कौन से पार्ट को कनेक्ट करता है? तो वो कनेक्ट करता है ईस्ट एशिया को वेस्ट नॉर्थ अमेरिका से, ईस्ट एशिया को नॉर्थ वेस्ट अमेरिका से।
विच ओशनिक रूट इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री इन द वर्ल्ड, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के नाम पे एक क्या है ओशन है, इंडियन ओशन, तो इंडिया के नाम पे ही एक ओशनिक रूट भी है, वो कौन सा है, इंडियन ओशन रूट। द बिग ट्रंक रूट रन्स थ्रू, तो बिग ट्रंक रूट जो है वो कहाँ पे है, वो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। हम लोग पढ़ेंगे पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच पोर्ट्स आर इक्विप्ड विथ एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर फिलिंग एंड इम्प्टिंग द ऑयल टैंकर। तो पोर्ट्स का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है, तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जहाँ पे क्या होता है कि पेट्रोलियम है उसको टैंक में फिल किया जाता है बहुत ही फास्ट, और उसको वहाँ से टैंक को मतलब इम्प्टी भी किया जाता है बहुत फास्ट, इस तरीके का एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलप किया गया है, तो वो किया जाता है टैंकर पोर्ट्स में। कहाँ पर, टैंकर पोर्ट्स में। उसके बाद विच पोर्ट्स आर नोन एज द कलेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ डिफरेंट गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। तो एक तरीके का ऐसा पोर्ट जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हम पहले तो सामान को जमा करेंगे, ठीक है, फिर वहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में भेजेंगे। तो पहले तो इम्पोर्ट करना है, फिर हमको वहीं से एक्सपोर्ट भी करना है, तो इस तरीके के पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्री पोर्ट पोर्ट्स, है ना, इंट्री पोर्ट पोर्ट्स, ठीक। द प्लेस इन द मिड ऑफ सी वॉयजेस वेयर शिप्स हैंग फॉर रिफ्यूलिंग आर कॉल्ड एज। तो मतलब शिप, ऐसा तो नहीं है कि शिप को एक बार हम फ्यूल कर देंगे तो फिर वो हमें चलता ही रहेगा, नहीं, उसका फ्यूल भी तो ख़त्म होगा, तो उसका जो हम रिफ्यूलिंग जब करेंगे सी का, तो वो कहाँ पे कर, शिप का, तो वो कहाँ पे करेंगे हम लोग, पोर्ट ऑफ कॉल में। कहाँ पे, पोर्ट ऑफ कॉल में। फिर फेमस पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, ये डिफरेंट डिफरेंट रिवर है और वहाँ उस पर कौन सा पोर्ट बनाया गया है वो लिखा हुआ है। तो पहला राइन रिवर, उस पर है द रॉटरडम पोर्ट, ठीक है, और ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट पोर्ट है। फिर एल्ब, जो कि कहाँ पे, हैमबर्ग में, एल्ब रिवर पे बनाया गया है, हैमबर्ग, ब्रुंसविक और ड्रेस्टन पोर्ट। फिर मिसिसिपी पे बनाया गया है, न्यू ऑरलैंड्स। फिर अमेजोन पे बनाया गया है, मैनोस। फिर हुगली जो रिवर है उस पे बनाया गया है, कोलकाता पोर्ट, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैनाल्स के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, कैनाल्स पहले होता क्या है, ठीक है। तो एक ये नेचुरल या आर्टिफिशियल वाटर लैंडफॉर्म है, जो कि क्यों बनाया जाता है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जो है उसका डिस्टेंस कम किया जा सके, ताकि सिप्स जो है वो आसानी से इस कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल्स बोलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट नेविगेबल कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, तो जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कैनाल, जो इसमें कि नेविगेशन पॉसिबल है, मतलब जहाँ पे सिप्स का आना जाना होता है, ठीक है, नेविगेट करते हैं वहाँ पे, तो वो है स्वेज कैनाल। कौन सा है, स्वेज कैनाल। विच पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन बोथ एंड्स ऑफ स्वेज कैनाल, अगर ये स्वेज कैनाल है, इसके दोनों एंड्स पे कौन सा पोर्ट लोकेटेड है, वो है पोर्ट सेड एंड स्वेज, ठीक है, दोनों। उसके बाद है, स्वेज कैनाल कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज, तो स्वेज कैनाल जो है वो कौन से दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, स्वेज कैनाल कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। विच कैनाल कनेक्ट्स लेक सुपीरियर एंड हुरोन, तो कौन सा कैनाल है जो कि लेक सुपीरियर को कनेक्ट करता है लेक हुरोन से, वो है सू कैनाल। फिर है पनामा कैनाल कनेक्ट्स, तो पनामा कैनाल जो है वो कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। फिर है कील कैनाल कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज, तो कील कैनाल जो है वो कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से। विच कंट्री इज़ प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अल्टरनेटिव टू पनामा कैनाल, जो कि कनेक्ट करता है अभी पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन को, और क्योंकि ये पनामा कैनाल जो है वो तो कनेक्ट करता है पैसिफिक को अटलांटिक से, तो इस तरीके का ही एक कैनाल कंस्ट्रक्ट करने का अभी सोच रहा है एक कंट्री, ताकि पनामा कैनाल को रिप्लेस किया जा सके उसका अल्टरनेटिव, तो वह निकारगुआ। कौन सा, निकारगुआ। विच कैनाल इज यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज इन सदर्न जर्मनी, तो जर्मनी के सदर्न एरियाज़ में कौन से कैनाल का यूज़ किया जाता है ताकि इनलैंड वाटरवेज पॉसिबल हो सके, तो वो है लुडविक कैनाल, लुडविक कैनाल। विच कैनाल कनेक्ट्स द नॉर्थ सी विद एम्स्टर्डम इन यूरोप, तो कौन सा कैनाल है जो कि नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है एम्स्टर्डम, जो कि कहाँ पे, यूरोप में है, वह है नॉर्थ सी कैनाल। फिर है गोटा कैनाल कनेक्ट्स विच टू मेजर सिटीज़ ऑफ यूरोप, तो गोटा कैनाल जो है वो कनेक्ट करता है कौन से दो मेजर सिटीज़ को, वह है गुथेनबर्ग और स्टॉकहोम, गुथेनबर्ग और स्टॉकहोम। फिर द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड इज, तो पूरे वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज है वो कौन सा है, वो है मिसिसिपी रिवर सिस्टम। विच कैनाल कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, कौन सा कैनाल है वो ब्लैक सी को कैस्पियन सी से कनेक्ट करता है, वो है स्टेलिन कैनाल। कौन सा, स्टेलिन कैनाल। द कैनाल इन वेस्टर्न यूरोप इज़ मेनली यूज्ड फॉर,
तो वेस्टर्न यूरोप का जो कैनाल है वो मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वो होता है इनलैंड नेविगेशन पे, मतलब कंट्री के अंदर ही अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अगर मूव करना है तो हम ऐसे कैनाल का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पाइपलाइंस के बारे में, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन से मेनली गैसेस या फिर ऑयल है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, पाइपलाइंस। विच ट्रांसपोर्टेशन मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग गुड्स फ्रॉम पाइप? तो अगर हमको पाइप के थ्रू अगर गुड्स को, सामान को अगर भेजना है तो हम लोग कौन सा मीन्स यूज़ करेंगे, वो हम करेंगे पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। विच टाइप ऑफ गुड्स आर सेंट मोस्टली बाय पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन? तो किस टाइप का जो गुड्स है, किस टाइप के सामान को हम लोग पाइपलाइन के थ्रू भेजते हैं, वह लिक्विड या गैस? लिक्विड हम LPG भेज सकते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस भेज सकते हैं ना, गैस के थ्रू, गैस के फॉर्म में। फिर पाइपलाइंस आर कैटेगराइज्ड ऑन हाउ मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब पाइपलाइंस पर जो बिछाया गया है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, इस बेसिस पे हम लोग तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है कि गैदरिंग, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई मान लो यहाँ पे स्टोर करना है हमको कोई भी सामान, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पाइपलाइंस आएंगे, वो यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर इस जगह से अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग जगह भेजना है, तो हम लोग उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का यूज़ करेंगे। दिस पाइपलाइंस आर मेनली लॉन्ग पाइप्स विथ लार्ज डायमीटर मूविंग प्रोडक्ट्स बिटवीन सिटीज कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स इज नोन एज। तो एक पाइपलाइन जिससे कि लिए लॉन्ग, बहुत लॉन्ग पाइप्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसका डायमीटर भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत अधिक इसका डायमीटर होता है, और ये प्रोडक्ट्स को एक डिफरेंट सिटीज़ के बीच में सेंड कर सकता है, कंट्रीज़ के बीच में भी कर सकता है और कॉन्टिनेंट्स के बीच में भी कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन। दीज आर कंपोज ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड पाइपलाइन विथ स्मॉल डायमीटर यूज टू टेक प्रोडक्ट टू फाइनल कंज्यूमर्स इज नोन एज। तो अगर देखिए ट्रांसपोर्टेशन से तो हम लोग क्या कहें कि सामान को मतलब अलग अलग कंट्री में भेज दिए, लेकिन कंट्री भी तो डिफरेंट डिफरेंट घरों में सप्लाई करेगा, तो वो कैसे सप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस के थ्रू। और इसका जो डायमीटर जो होता है वो स्मॉल होता है, क्योंकि मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे होता तो चाहिए नहीं, ठीक है। विच इज़ द गैस पाइपलाइन कनेक्टेड विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड इंडिया? तो कौन सा पाइपलाइन है जो सेंट्रल एशिया से और इंडिया को कनेक्ट करता है? तो वो है तापी पाइपलाइन, है तापी पाइपलाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, में हमारा है आगे क्वेश्चन है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। अगर अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन अगर सेंड करना है, ठीक है, या रिसीव करना है, तो हम वो कैसे करते हैं, बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच फेनोमेनन इज़ नोन एज द एक्ट ऑफ रिसीविंग गिविंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन से मीडियम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर बोल रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन द वर्ल्ड? तो पूरे वर्ल्ड में जो पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया वो कब किया गया, 4th अक्टूबर 1957 में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड का जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम क्या था, वो था स्पूतनिक, जो कौन लॉन्च किया था, रशिया। उस टाइम में ये क्या था, USSR है ना, सोवियत संघ। फिर है, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड? तो कौन सी कंट्री पूरे वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट लॉन्च की, तो वो थी USSR, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द इंडिया? वर्ल्ड का तो पहला सैटेलाइट था स्पूतनिक, लेकिन जो इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट, है ना। और आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो वो किया गया था 1975 में। अब कि व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीकास्ट ऑफ दूरदर्शन स्टार्टेड? जैसे कि टीवी का चैनल है ना दूरदर्शन, तो उसका उस पर पहला टेलीकास्ट, पहला जो शो दिखाया गया था वो कब हुआ था, वो 15 सितंबर 1956 में। इन विच ईयर द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्टेड? और कौन से ईयर में पहला रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया गया था, वो किया गया था 1936 में। विच सैटेलाइट सिस्टम इज नोन एज रेडियो नेविगेबल सैटेलाइट टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट? अगर हमको किसी भी प्लेस का, अगर हमको लोकेशन पता करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, GPS का, ठीक है। और GPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। इन इंडिया विथ GPS इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है ना, इसरो हैज़ डेवलप्ड विच इंडिजिनस सैटेलाइट, मतलब क्या है कि जिस तरीके से GPS है, ठीक है, उस तरीके से इंडियन का कौन सा मतलब इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च किया, जिससे कि क्या हो कि इंडिया में भी नेविगेशन, अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया जा सके,
वह IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। फिर है विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी विद द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो कौन सा पहला कंट्री था जो कि क्या क्या सैटेलाइट सिस्टम को लिंक कर दिया किससे, GPS से, तो वो था USA। ठीक है, अभी हम लोग जैसे गूगल मैप पे देखते हैं ना GPS लोकेशन, तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स ही ये मतलब शो होता है। फिर एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का GPS टेक्नोलॉजी, ठीक है, पहला कंट्री है USA, तो USA का जो GPS टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जापान का है QZSS क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। फिर है रशिया का ग्लोनास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। चाइना का है बीडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मतलब BESS। यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो, ठीक है। फिर इंडिया का क्या है, गगन सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।